दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए ताकि हमारे वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचते रहे। हेलो दोस्तों, स्वागत है ऐप मास्टर यूट्यूब चैनल पे। यहाँ आपको ट्यूटोरियल्स देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो देखकर आपके मन में सवाल जरूर आया होगा कि काश आप भी इस तरह की वीडियो आप भी बना सको। अगर मैं आपके लिए कहूँ कि ये वीडियो आप भी बना सकते हो, वो भी बिल्कुल आप चुटकियों में बना सकते हो, वो कैसे रहेगा दोस्तों? सच में आप इस तरह के वीडियोस बना सकते हो, बिल्कुल फ्री में बना सकते हो और साथ ही साथ आप AI की मदद से आप बनाने वाले हो। इस वीडियो के बारे में आपको बताने वाला हूँ कि मैंने इस वीडियो को किस AI टूल की मदद से इसको बनाया हुआ है और वो AI टूल में क्या ऐसा खास बात है जो कि मैं इस AI टूल के बारे में आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, इसके फीचर्स के बारे में बताने वाला हूँ और साथ ही साथ इसमें जो भी टूल्स दिए जाएंगे सारे बिल्कुल बिल्कुल आपको फ्री में टूल्स को यूज कर सकते हो, कोई भी लिमिट नहीं है। और एकदम खास बात है दोस्तों, ये AI टूल में आप जो भी आप वीडियो को बनाओगे, एंड में जाके अगर आप एक्सपोर्ट करोगे, आपको यहाँ पे कोई भी वाटर मार्क नजर नहीं आने वाला दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, आप बिना वाटर मार्क के इसको आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो अगर आप भी इन सारे फीचर्स या AI टूल के बारे में जानना चाहते हो, वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। नमस्कार दोस्तों, ऐप भाषी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो आइए इस AI टूल के साथ आपको शेयर कराता हूं एक नए अंदाज में दोस्तों, तो देखते रहिए। तो वेबसाइट का नाम और AI टूल का नाम है invideo.io। इसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या फिर आपको एक स्क्रीन पर एक QR कोड नजर आ रहा होगा, तो उस QR कोड को आप स्कैन कर सकते हो। वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, पॉज करके आप QR कोड को स्कैन करोगे तो आप बिल्कुल डायरेक्टली आप इस वेबसाइट पे पहुंच जाओगे और यहीं से आपका काम शुरू होता है। सबसे पहला काम है आपको यहाँ पे आके साइन अप बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप साइन अप बटन पे क्लिक करते हो, आपको यहाँ पे ऑप्शन दिया जाएगा कि आप यहाँ पे साइन अप विद गूगल पे क्लिक कीजिए या फिर आप अपना अकाउंट भी बना सकते हो यहाँ पे अपना नाम, ईमेल और पासवर्ड। मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा आप गूगल अकाउंट से साइन अप कर लीजिए। जैसे आप साइन अप कर लेते हो, आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको देख सकते हो दोस्तों, मैंने यहाँ पे कुछ पहले ही कुछ वीडियोस को यहाँ पे बनाया हुआ है, वो टेस्ट करने के लिए कि आपके लिए ये टूल कैसा साबित होने वाला है और इसमें आपको क्या क्या फीचर्स मिलने वाले हैं। तो अभी बात करते हैं यहाँ पे जो आपको फीचर्स मिलते हैं इस AI टूल में। सबसे पहले आप देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे आपको 5000 से भी ज्यादा कस्टमाइजेबल वीडियो टेम्पलेट्स आपको मिल जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको स्टॉक मीडिया, जो आप देख सकते हो यहाँ पे स्टॉक मीडिया, 1 मिलियन से भी ज्यादा आपको प्रीमियम वीडियोस और फोटोज आपको मिल जाते हैं इस AI टूल में। और आपको यहाँ पे प्रो वीडियो क्रिएशन का यहाँ पे एक वीडियो एडिटर टूल भी मिल जाता है और साथ ही साथ आप अगर आप यहाँ पे टेक्स्ट अगर आप डालते हो, कुछ भी टेक्स्ट डालते हो, उसके बेसिस पे भी ये आपको AI वीडियो बना के दे देगा। ये इसके हाईलाइटिंग टूल्स है। यहाँ पे आपको सबसे पहले टेम्पलेट्स पे क्लिक करके आपको बता देता हूँ। जैसे मैं टेम्पलेट्स पे क्लिक करता हूँ, आपके सामने टेम्पलेट लाइब्रेरी ओपन हो जाएगी और वो टेम्पलेट लाइब्रेरी जैसे ही ओपन होती है, आप यहाँ से 5000 से भी ज्यादा टेम्पलेट्स को आप यहाँ से देख सकते हो। अभी मजा आएगा ना वीडियो। साथ ही साथ यहाँ पे आपको फिल्टर्स नजर आ जाते हैं कि आपको जो वीडियो टेम्पलेट है किस फॉर्मेट में चाहिए, एस्पेक्ट रेशियो में चाहिए, आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। लैंडस्केप में चाहिए तो लैंडस्केप कहना क्या चाहते हो क्लिक कीजिए, उसके रिगार्डिंग यहाँ पे टेम्पलेट्स नजर आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे कैसा टाइप आपको चाहिए वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आप वीडियो प्रेजेंटेशन बनाना चाहते हो या कोई मोशन पोस्टर बनाना चाहते हो, आप बस उसको क्लिक कीजिए और उसके रिगार्डिंग यहाँ पे टेम्पलेट्स ओपन हो जाएंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे सारे टेम्पलेट्स ओपन हो चुके हैं। तो जैसा कि मैं इस टेम्पलेट को मैं चूज करता हूँ, तो करना चूज करने के बाद यहाँ पे आपको फिर से पूछा जाता है कि कौन सा यहाँ पे आपको एस्पेक्ट रेशियो को यूज करना चाहते हो, आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यूज टेम्पलेट बटन पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे एडिटर, वीडियो एडिटर ओपन हो जाएगा जो कि एक प्रो वीडियो एडिटर है। इसमें आपको दो तरीके के ऑप्शन मिलते हैं, यहाँ पे नॉर्मल एडिटर भी रहता है, एडवांस एडिटर भी रहता है। बेसिकली अभी जो आप देख रहे हो ये एक एडवांस एडिटर टैब है और इसके अंदर आप यहाँ पे कस्टमाइजेशन वगैरह आप कर सकते हो, जो भी जो कि टेम्पलेट है आप इसके अंदर अपना कस्टमाइजेशन कर सकते हो। अगर आप चाहे तो इस फुटेज के अंदर आप वॉइस ओवर देना चाहते हो, वॉइस ओवर दे सकते हो। यहाँ पे टाइमलाइन के हिसाब से आप चेक करना चाहते हो, वीडियो में जो भी टेक्स्ट आ रहा है उसको अगर आप बदलना चाहते हो तो आप यहाँ से बदल सकते हो। यहाँ पे जो टेक्स्ट है बस उसके ऊपर क्लिक कीजिए और यहाँ पे जो है आप बस डबल क्लिक कीजिए और उसके अंदर आप यहाँ से टेक्स्ट को अपने हिसाब से आप बदल सकते हो। समझ गया। मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ दोस्तों, हेलो दोस्तों, तो देख सकते हो इजीली यहाँ पे टेक्स्ट भी बदल चुका है। अभी यहाँ पे बाहर क्लिक कीजिए और फिर यहाँ पे जैसे मैं प्ले करके बता देता हूँ दोस्तों, तो यहाँ पे आप देख लीजिए बहुत अच्छी तरह से यहाँ पे एनिमेशन भी हो रहा है और साथ ही साथ इसमें अगर आप अपना लोगो भी ऐड करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। अगर आप यहाँ से अपलोड लोगो बटन पे क्लिक करके लोगो को अपलोड कर सकते हो या फिर आप कहीं से भी अपने सिस्टम में जहाँ पे भी लोगो सेव है, कहीं से भी आपके सिस्टम में लोगो सेव है तो वहाँ से आप आके ड्रैग करके वहाँ से लेके आके यहाँ पे आके छोड़ देंगे तब भी आपके आपका लोगो यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। जैसे आप अपने लोगो को ऐड कर लेते हो, आपका लोगो यहाँ पे ऑटोमेटिकली
पूरा जो वीडियो ड्यूरेशन है वहाँ पे सब जगह पे यहाँ पे वाटरमार्क की तरह आपका यहाँ लोगो जो है वो ऐड हो जाएगा। यहाँ पे वीडियो को ट्रिम करना चाहते हो टाइमर के हिसाब से, आप ट्रिम कर सकते हो, या फिर आप यहाँ से भी आप ट्रिम कर सकते हो, ऐसे भी ट्रिम कर सकते हो दोस्तों। और फिर अगर आप बस टाइमलाइन पे फिर से आप टाइमलाइन पे क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पे पूरा एडिटर मोड ओपन हो जाएगा कि कौन से लेयर्स में क्या क्या यहाँ पे ऐड किया हुआ है, आपको यहाँ से बता दिया जाएगा क्या क्या एनिमेशन यूज़ किए गए हैं। और साथ ही साथ राइट साइड में आपको लेयर्स में नज़र आ रहा है, इसको आप हाईलाइट भी करना चाहते हो आप कर सकते हो। पर्टिकुलर टेक्स्ट को अगर आप हाईलाइट करना चाहते हो तो आपको बस टेक्स्ट को पूरा सेलेक्ट करना है, सारे टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है, या फिर आप जिस किसी भी पार्ट टेक्स्ट को आप हाईलाइट करना चाहते हो तो आपको बस सेलेक्ट करना है और फिर आपको हाईलाइट बटन पर क्लिक करना है। और जैसे आप हाईलाइट बटन पर क्लिक करते हो तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे टेक्स्ट का कलर बदल जाएगा। अगर आप यहाँ पे अपना कलर आप सेट करना चाहते हो तो आपको यहाँ पे ऊपर टेक्स्ट कलर पे आपको क्लिक करना है। और जैसे आप टेक्स्ट कलर पे क्लिक करते हो यहाँ पे दो तरह के टैब्स आ जाएंगे टेक्स्ट कलर में, आपको यहाँ पे हाईलाइटेड टेक्स्ट वाले जो बटन है उसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से आप अपना टेक्स्ट कलर को बदल सकते हो। अगर आप यहाँ से चेंज करके रखना चाहते हो तो आप देख सकते हो रियल टाइम में यहाँ पे चेंज हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे ब्लू कलर को सेट किया हुआ है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे ब्लू कलर को मैंने सेट किया और बस आपको यहाँ पे नीचे आपको चेंज ऑल बटन का ऑप्शन नजर आ जाता है। ये पूरे सीन में यानी कि ये पूरा जो सीन है इसके अंदर ये टेक्स्ट को हाईलाइट किया हुआ नजर आ जाएगा। और साथ में यहाँ पे आप वॉइस ओवर भी आप अपना अपलोड कर सकते हो दोस्तों। यहाँ पे आपको चार तरीके के ऑप्शन मिल जाते हैं वॉइस ओवर में, जो कि ऑटोमेटेड अगर आप जनरेट कराना चाहते हो तो ऑटोमेटेड आप जनरेट करा सकते हो। आपका अपना खुद का वॉइस ओवर डालना चाहते हो लगाना चाहते हो तो आप यहां से कर सकते हो, तो आप इंपोर्ट फ्रॉम अपलोड्स पे भी जाके आप कर सकते हो, या फिर आप रिकॉर्ड करके करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। फिलहाल मैं ऑटोमेटेड टेक्स्ट टू स्पीच पे ही क्लिक करता हूं और यहां पे अपना लैंग्वेज सेलेक्ट कर लीजिए। आपको यहां पे इंडियन इंग्लिश में मिलता है, ब्रिटिश इंग्लिश में मिलता है और इतने लैंग्वेज मिल जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपको इंडियन इंग्लिश पे सेट करने के बाद यहाँ पे दो वॉइसेस मिलते हैं, अगर आप सुनना चाहते हो सुन के आप चेक कर लीजिए कौन सा एआई का वॉइस आपको पसंद आता है वो आप सेट कर सकते हो दोस्तों। जनरेट वीओ बटन पे क्लिक करना है। उससे पहले यहाँ पे आपको जो वॉइस है जो आप ऑडियो वॉइस डब करा रहे हो वो यहाँ पे आपको टेक्स्ट एंटर करना है। तो टेक्स्ट आपको चैट जीपीटी की मदद से आप टेक्स्ट को जनरेट कर सकते हो। फिलहाल के लिए यहाँ पे मैं एक सैंपल टेक्स्ट डाल रहा हूँ दोस्तों, अपना कंटेंट जनरेट कर लेते हो। बस यहाँ पे आके जनरेट वीओ बटन है उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे आप जनरेट वीओ बटन पे आप क्लिक करते हो ये इंस्टेंटली यहाँ पे आपको ऑडियो जनरेट करके दे देगा। तो अगर आप वो सुनना चाहते हो तो आपको यहाँ पे प्ले बटन दिया गया है, यहाँ से आप सुन सकते हो कि ये कैसे सुनने को मिलता है, कैसा ये वॉइस है। अगर आप वो टेस्ट करना चाहते हो तो ये प्ले करके आप सुन सकते हो। अगर आपको ये आवाज़ पसंद नहीं आ रहा हो तो आप यहीं से आप दूसरा वॉइस भी आप सेलेक्ट करके जनरेट कर सकते हो, जो कि आपको वो भी इंस्टेंट आपको देखने को मिलने वाला है। अगर आप उससे संतुष्ट हो जाते हो तब आप यहाँ पे जाके ऐड वीओ टू सीन बटन पे क्लिक कर सकते हो और बस आपको जो ऑडियो है वो अपने टाइमलाइन पे ऐड हो जाएगा। अब आप उसके हिसाब से आप यहाँ पे एडजस्टमेंट कर सकते हो, वीडियो एडिटर में प्ले करके आप देख सकते हो कि यहाँ पे कैसे सुनने को मिल रहा है। और यहाँ पे बाय डिफॉल्ट यहाँ पे म्यूजिक दिया जाता है जो कि आप उसको भी आप एडिट कर सकते हो। बस आपको म्यूजिक वाले लेयर पे जाके वॉल्यूम एंड फेड बटन पे आपको क्लिक करना है। वॉल्यूम एंड फेड बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको वॉल्यूम एडजस्ट करना है दोस्तों। वॉल्यूम कम रखोगे तभी आपको यहाँ पे जो ऑडियो आपने एआई की मदद से जनरेट किया है वो आपको सुनने मिल पाएगा। तो अभी ये सुनने में बढ़िया लग रहा है दोस्तों। कई सारे ऑप्शन दिए जाते हैं, आप उसमें फुटेज डालना चाहते हो फुटेज डाल सकते हो, वीडियो डाल सकते हो, इमेज अगर आप डालना चाहते हो इमेज डाल सकते हो। यहाँ पे स्टॉक मीडिया गैलरी जो मैंने आपको बताया था यहाँ पे आपको स्टॉक मीडिया गैलरी का एक्सेस मिल जाता है और उसके अंदर यहाँ पे कुछ प्रीमियम कुछ फ्री रहेंगे, तो आप फ्री वाले कंटेंट को आप यूज़ कर सकते हो, बिल्कुल फ्री में यूज़ कर सकते हो, कोई भी कॉपीराइट इशू नहीं आ पाएगा। और साथ ही साथ यहाँ पे इमेजेस को भी आप यूज़ कर सकते हो, इमेजेस भी दिए गए हैं, उसमें भी ऐसे सिस्टम है, प्रीमियम का भी रहेगा कुछ फ्री कंटेंट भी रहेगा, तो आप फ्री कंटेंट का भरपूर आनंद ले सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आपको म्यूजिक का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पे ढेर सारे म्यूजिक मिल जाएंगे दोस्तों, कई सारे म्यूजिक मिलेंगे, इसके बहुत ही बड़ी लाइब्रेरी है, म्यूजिक लाइब्रेरी है। और उसके बाद यहाँ पे आपको टेक्स्ट का भी ऑप्शन दिया जाता है, टेक्स्ट टेम्पलेट्स भी दिए जाते हैं कि वीडियो में आप कौन से स्टाइल में आप टेक्स्ट को अपलोड करना चाहते हो, उसके भी आपको लेआउट नजर आ जाता है, टेम्पलेट्स में आप सेलेक्ट कर सकते हो। साथ ही साथ यहाँ पे आपको कलर पैलेट का ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पे एक नया फीचर इंक्लूड किया गया है जिसमें अगर आप एक क्लिक की मदद से आप वीडियो में पूरे वीडियो का कलर पैलेट जो है वो एक क्लिक की मदद से आप पूरा ही बदल सकते हो। फिलहाल यहाँ पे जो टेम्पलेट डिफॉल्ट है वो उसमें से अगर मेरे को चेंज करना है तो यहाँ से कई सारे टेम्पलेट्स नजर आ रहे हैं जिसमें से कोई भी मैं एक टेम्पलेट को चूज कर रहा हूँ और जैसे मैं अप्लाई बटन पे क्लिक करता हूँ तो ये वीडियो में इंस्टेंटली अप्लाई हो जाएगा। अगर आपको वापस डिफॉल्ट वाले कलर पैलेट में जाना है तो आप रिवर्ट बैक टू डिफॉल्ट कर सकते हो या फिर आपको अंडू वाला ऑप्शन भी मिलता है, आप उसको भी आप क्लिक कर सकते हो, तो यहाँ पे डिफॉल्ट कलर पैलेट चूज हो जाएगा। यहाँ पे फोल्डर्स का ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पे आप अपने प्रोजेक्ट फाइल्स को यहाँ पे फोल्डर बना के फोल्डर में अपलोड रख सकते हो दोस्तों। साथ ही साथ यहाँ पे आपको स्टिकर्स ऐड करने का मौका दिया जाता है, स्टिकर्स ढेर सारे स्टिकर्स आपको मिल जाते हैं जो कि आपको कैटेगरी वाइज हर कैटेगरी के स्टिकर्स आपको मिलने वाला है। नेक्स्ट फीचर यहाँ पे ओवरलेस का ऑप्शन दिया गया, अगर आप वीडियो के ऊपर कुछ वीडियो इफेक्ट्स लगाना चाहते हो तो ओवरले यहाँ पे टेम्पलेट्स दिए गए, ओवरले टेम्पलेट्स दिए गए, तो आप बस ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपने वीडियो में इफेक्ट्स डाल सकते हो। अपने वीडियो में अगर आप कुछ भी शेप्स वगैरह ऐड करना चाहते हो तो उसका भी ऑप्शन दिया गया है, तो उससे मेरा क्या फायदा। नेक्स्ट फीचर यहाँ पे कोलैज का दिया गया है दोस्तों,
यहाँ पे भी आपको एक इमेज, दो इमेज, तीन इमेज, चार इमेज करके ऐसे आपको प्री डिफॉल्ट यहाँ पे टेम्पलेट्स दिए गए। अगर आप वीडियो में इंस्टेंटली इमेज ऐड करना चाहते हो तो आपको बस कोई भी वेरिएशन को सेलेक्ट करना है और ड्रैग एंड ड्रॉप है, बस वहां से फिर आप अपना मॉडिफिकेशन कर सकते हो इमेज को। वहां पे पर्टिकुलर जो है वो कौन सा इमेज आप बदलना चाहते हो तो बस उसके ऊपर क्लिक कीजिए और फिर आप अपना स्टॉक इमेज या अपलोडेड इमेज को आप सेट कर सकते हो। दोस्तों वीडियो में जाने के बाद आपको यहाँ पे सेव का ऑप्शन मिलने वाला है डाउनलोड एंड शेयर, तो बस आपको डाउनलोड एंड शेयर बटन पे आपको क्लिक करना है और फिर वहाँ पे आपको बाय डिफॉल्ट यहाँ पे 720p फॉर्मेट में सेव किया रहेगा, सेलेक्ट किया हुआ रहेगा, आपको बस उसके ऊपर क्लिक करना है। या क्योंकि यहाँ पे 1080p में अगर आप देखोगे तो वहाँ पे प्रीमियम लिखा हुआ रहेगा। जी हाँ दोस्तों, आपको उसके लिए प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, जाहिर सी बात है, पर मैं आपको ये रेकमेंड करता हूँ कि ये 720p क्वालिटी भी आपके लिए बहुत ही काफ़ी है दोस्तों एक्सपोर्ट करने के लिए। प्रोसीड कीजिए। तो जैसे ही एक्सपोर्ट होता है तो वीडियो आपका जो है वो आपके मेल में एक सूचना आ जाएगी, मेल में आपको एक नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आपका वीडियो जो है रेंडर हो चुका है और आप वहां से वीडियो को डाउनलोड कर सकते हो। दोस्तों जैसे ही मैं डाउनलोड बटन पर क्लिक करता हूँ एक पॉपअप खुल जाता है दोस्तों, और वो पॉपअप खुलने के बाद आप गौर कीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है डाउनलोड फ्री विदाउट वाटरमार्क। यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है डाउनलोड फ्री विद वाटरमार्क, बट आपको उसके ऊपर ही क्लिक करना है, और जैसे आप उसके ऊपर क्लिक करते हो तो वीडियो आपका जो है वो आपके सिस्टम में इंटरनल स्टोरेज में डाउनलोड हो जाएगा। जो भी आप नाम रखना चाहते हो वीडियो का वो रख दीजिए और उसके बाद आपका वीडियो सक्सेसफुली डाउनलोड हो जाएगा, तो ताकि आप वो वीडियो को कहीं भी आप यूज कर सकते हो। तो दोस्तों मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। मजा आया, मुझे उम्मीद है कि आपको ये आज का AI टूल ट्यूटोरियल वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज दोस्तों इस वीडियो को बड़ा सा थंब्स अप दीजिए, क्योंकि मुझे इसी से मोटिवेशन मिलती रहेगी, आपका सपोर्ट इसी से मिलता रहेगा, ताकि आपके लिए ऐसा ही कॉन्टेंट ट्यूटोरियल टूल्स वगैरह लेकर आता रहो। और साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर करें। फिलहाल के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में एक नए एक्साइटिंग AI टूल के साथ। तब तक के लिए मेरे वीडियोस को देखते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद। खत्म। बाय बाय। टाटा। गुड बाय। गया। जय हिंद।